फ्राई हो रही है, तीनों फ्राई कर लग रही है। ये जब बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे ना हम इन्हें बाहर निकालेंगे। उसी दिन मैं उतार देती हूँ। वाह आज बनेगी मज़ेदार मसालेदार, बिल्कुल जो शादी ब्याह में बनती है ना, जैसे मैरिज वगैरह पे, तो वही बनेगी। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, पर आज मैंने कहा कि चलो आज बनाते हैं। तो आप सबको उम्मीद कर से लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारकें हों। तो आज लोहड़ी भी है तो स्पेशल हो जाएगी भी। गोभी हो रही है फ्राई मेरी, गोभी फ्राई हो रही है। ये क्या थी, ये फूल फ्राई हो गया बिल्कुल। तो थोड़े और 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, अच्छी तरह से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर इसी के लिए हम करेंगे तैयार मसाला। तो आज बना रही हूँ मैं, शादी ब्याह भी बनती है तो माई फेवरेट, जो मैंने कभी बनाई नहीं, बहुत पहले बनाती थी तो मेरे हस्बैंड थे तब बनाती थी, उसके बाद तो मैंने कुछ डिशेज ऐसी हैं जो मेरा बनाने का मन ही नहीं करता है। तो वो शुक्रिया फ्राई मेरी। तो गाइस गोभी बिल्कुल हो गई है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ बाहर पीसेस को ना, बाहर निकालेंगे एक एक करके। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी गोभी मैंने फ्राई कर दी है, तो इसे बाहर निकाल लेती हूँ मैं। तो आज हम बनेगी स्पेशल गोभी, गोभी नहीं बोलेंगे इसे, मुसल्लम भी बोलते हैं और इसे आप जो मर्जी बोलें। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो गाइस ये हो गए हैं फ्राई, तो अब हम तैयार करते हैं मसाला। तो गाइस इसमें से थोड़ा ऑयल निकाल लेंगे और थोड़े ऑयल में हम इसी में बनाएंगे। तो इसे मैं थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया है, तो इसमें हमने सबसे पहले जो मसाला है जीरा गार्लिक पेस्ट प्याज को हम रख देंगे भूनने के लिए। तो इसे अच्छी तरह से बिल्कुल बिल्कुल हमने भून लेना है। तो मसाला मेरा भून रहे थे, मैंने तो तेज पत्ते से वो डाल देती हूँ और जो मैंने मसाला बनाया है उसे भी इसके साथ ही डालूंगी, ताकि अच्छी तरह से मसाला भी खूब सारा मैंने इसमें मसाला डाल दिया है। अच्छी तरह ये मसाला भून रहा है। तो प्याज में भी भून चुके हैं, तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। टमाटर की प्यूरी है ना वो भी ऐड कर, उसे भी वो बहुत खुशबू आ रही है मसाले की। उसे मैं थोड़ी में भूनती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं कलर ऐड कर दूँ, फिर से मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। हल्का सा मैंने इसमें कलर ऐड किया है, तो कलरफुल इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। तो टमाटर मेरे मसाला भून रहा है मेरा, इसे मैं धनिया काट लेती हूँ, धनिया कट कर लेती हूँ मैं ब्रिक ब्रिक। और इसमें मैं ये मसाले ऐड करती हूँ। तो गाइस ये देखिए इसमें हम अब ऐड करूंगी मैं नमक, स्वाद अनुसार रेड चिल्ली पाउडर,
और साथ में हल्दी, ऐसे भून लेते हैं। थोड़ा धनिया मैं पहले ऐड कर देती हूँ, बाकी मैं ऊपर से गार्निश के लिए रख ली है, इसे भून लेते हैं। तो गाइस मसाले के साथ ही ना इसमें हम जो फ्रेश मलाई है ना दूध की, वो हम इसमें 2 चम्मच ऐड कर देंगे। ऐसे अच्छी तरह से बिल्कुल 2 चम्मच हमने हल्का सा पानी ऐड कर दिया। उसे 2 मिनट कवर कर देंगे, मसाला हमारा अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाला हो चुका है, तो भाई मसाला मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, एक बार मसाला और ऐड कर देंगे। और इसमें गोभी हम ऐड कर देंगे। और इसे मसाला के ऊपर लपेट देंगे, इसको एक एक बार मसाले के ऊपर। मसाले में बिल्कुल मसालेदार, तो इसे हमने दोबारा से एक बार हिला देना है। और इसमें हम गार्निश करेंगे धनिया, धनिया पत्ती के साथ। तो गाइस मेरी गोभी बन चुकी है, तो मैं गैस कर देती हूँ बंद। तो गाइस सब्जी तैयार हो चुकी है मेरी। तो जिंदर कौर तरफ हम लोग सत श्री अकाल, जोड़ी दी बहुत बहुत बधाइयाँ। सब्जी तैयार हो चुकी है, हम तैयार करेंगे रोटी, ते सब बच्चे रात में इकट्ठे होकर खावेंगे। सत श्री अकाल, मिलती है तुम फिर मैं।